हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपको 5 टिप्स बताऊंगी स्प्रिंग सीजन में। वैसे तो आपको पता ही होगा कि स्प्रिंग सीजन चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पहला, मौसम बहुत बदल रहा है। अगर पहले सर्दी थी, सर्दी के मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उसके बाद जब एकदम से ये वाला मौसम आता है स्प्रिंग सीजन का, तो उसमें तेज़ हवा रहती है, धूप बहुत हो लगती है, और कभी कभी मौसम अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस मौसम में बहुत ज़्यादा स्किन के लिए केयर करनी चाहिए और स्किन का ध्यान भी रखना चाहिए। तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊँगी। पहला टिप्स है त्वचा को, मतलब जो स्किन है आपकी, चेहरे की स्किन है, आपको एक्सफोलिएट करनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा स्क्रब लगाना चाहिए। स्क्रब जो कि ऑयली स्किन के लिए, स्क्रब तो आपको शुगर और कॉफ़ी का होना चाहिए। अगर उसमें कॉफ़ी और शुगर है तो मान लीजिए बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, इसलिए आपको वो वाला स्क्रब यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी नॉर्मल ऐसे ही कोई किसी तरह की स्किन, जो और दूसरी स्किन होती है वो ड्राई है, नॉर्मल है और कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से कोई भी स्क्रब चूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास नहीं, किसी तरह का स्क्रब नहीं है, तो आप ग्रीन टी से बना सकते हैं, या फिर कॉफ़ी है, चीनी है, और क्या कहती हूँ कि बहुत सी चीज़ अगर बने बनाए भी आते हैं, बहुत सारे स्क्रब बने हुए भी आते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, और जितनी भी स्किन में जितने भी डर्ट होगी, जितने भी आपके जो रोम छिद्र हैं उनमें गंदगी होगी, वो निकल जाएगी धीरे धीरे। तो आपको हमेशा एक्सफोलिएट करना चाहिए इस सीजन में। चलिए दूसरा मैं बताती हूँ, दूसरा सन प्रोटेक्शन। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आप घर में भी हैं, तो भी आपको हमेशा सन प्रोटेक्शन लेना चाहिए। कोई भी अच्छी सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखनी चाहिए। कोई भी ऐसे आप कोई मॉइस्ट क्रीम लगा रहे हैं, मॉइस्ट वाली, तो आप उस कोशिश कीजिए कि आपके उसमें SPF 30 हो या 20 तक तो होना ही होने, मोस्टली बहुत ज़रूरी है कि 20 तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। अगर और बाहर बहुत टाइम तक रहते हैं, तीन घंटे बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन में डेड हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, सन टैन हो जाएगा, सन बर्न हो जाएगा। बहुत सारे जो सन प्रोटेक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपको स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने की इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो हर सीज़न में ज़रूरत है, लेकिन ये सीज़न कुछ ऐसा आता है क्योंकि एकदम से विंटर्स के बाद एकदम ये वाला सीज़न आता है, तो इसमें आपको अच्छे से अपनी स्किन की प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैं दूसरा टिप्स मैं आपको देती हूँ। तीसरा है, आपकी स्किन कैसे ग्लोइंग हो, कैसे अच्छी रहे, कैसे शाइन करे, कैसी चमक रहे आपके स्किन में, तो आपको वाटर बहुत पीना होगा। बहुत समझ लीजिए, 10 से 12 गिलास तो आपको डेली दिन भर में आपको पीना ही है। वैसे सभी लोग ये बताते हैं कि हाँ पानी तो पीना है, लेकिन आप जब तक ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है। इसलिए आप 1 महीने इस ट्रिक को अपना कर देखें और देखेंगे कि हाँ इस चीज़ से कुछ बात बनती है। इसलिए आपको हमेशा पानी तो पीना ही पीना है, 10 से 12 ग्लास आपको मोस्टली पीना ही है। सुबह से अगर आप उठ गए तो डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, उसके बाद आप पानी दिन भर में किसी भी तरह से पीना है, चाहे लंच कम हो लेकिन पानी, और लंच भी करना है, डिनर भी करना है, तो उसके पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें। उससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, 2-in-1 आपका काम हो जाएगा। और अगर आप पानी तो पीते हैं, रोज़ वाटर से आपकी इम्प्योरिटी अच्छी हो जाती है, और तो त्वचा जो स्किन का आपका pH लेवल भी ठीक रहता है।
आपको इसलिए वाटर तो पीना ही पीना चाहिए। और मैं फोर बता रही हूँ कि विटामिन सी से, जो विटामिन सी जिस फल में हो, जिस जो भी फ्रूट आप खाते हैं, इस सीजन के फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए। स्प्रिंग सीजन के फ्रूट आपको लेने ही चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन जूस हो गया, ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी रखेंगे और आपकी स्किन में एकदम से अंदर से ही ग्लो प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको इस तरह के फल फ्रूट तो खाने चाहिए और इससे आपकी स्किन तो अच्छी होगी, एंटी एजिंग का भी जो आपके हो रही है वो भी नहीं होगी, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। तो आपको अच्छे फ्रूट भी खाने हैं, ये फोर टिप्स हो गया। अब मैं बताती हूँ फाइव टिप्स जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सभी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो है कि आपको लंच हो गया, डिनर सब करते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग डिनर करते हैं, जो भी खाना खाते अच्छा ही खाना खाइए, जैसे फाइबर हो, विटामिन हो, अच्छे फाइबर और प्रोटीन से भरा हुआ खाना अच्छे से खाना चाहिए। लंच और डिनर में हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग डिनर में प्रोटीन और विटामिन ज़रूर लें। इसको ये आप फाइव टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे सभी लोग बताते भी हैं कि इस सब चीज़ों को करना ही करना है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, ग्लो स्किन चाहते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, आपकी स्किन चमक रहे आपकी स्किन में, तो आपको अच्छे से आपकी स्किन का ध्यान भी रखना है, अंदर से भी जब आप खाना खाएंगे, जब डिनर लेंगे, लंच करेंगे, तो अंदर से इंटरनली भी अच्छे होंगे और बाहर से भी आपकी स्किन ग्लोई होगी। इसलिए ये फाइव टिप्स मैं आपको देती हूँ। और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए कि मैंने ये स्प्रिंग सीजन के जो मैंने जो फाइव टिप्स आपको बताए हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप फॉलो करेंगे ना, एक महीने फॉलो करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, उससे वो आपको बिल्कुल फ्री होता है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बेल मिल जाएगी जब भी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय।